गुड इवनिंग, वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल एक छोटी कोशिश। तो ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले ये बता दूं कि बिहार में लॉकडाउन लगने से पहले का ये वीडियो है, यानी लगभग 26 या 27 दिसंबर की वीडियो होगी। तो मौका ही नहीं मिल पाया था ये वीडियो डालने का, तो हम लोग पटना जा रहे थे इसी तरह, बस छोटी सी ट्रिप यानी घूमने। हम लोग बैठे बैठे बोर हो रहे थे, सब छुट्टी में थे, तो सोचा कि चलो भाई निकल पड़ते हैं घूमू घूमू करने। और ये बाबू रहा मेरा, जिसे ट्रेन पे बैठने का बहुत शौक है, शौक नहीं, ट्रेन देख के बहुत ज़्यादा खुश होता है। ट्रेन वाला गाना देखना है, ट्रेन देखना है, सब कुछ ट्रेन ट्रेन। तो ये पहुंच चुके हैं हम लोग पटना, तो सोचा कि पटना ही चुके हैं तो महावीर मंदिर में दर्शन भी कर लिया जाए, वो भी खा पी के, क्योंकि हम लोग का ऐसा कुछ सोचा हुआ नहीं था कि हम लोग को पटना जाना है। और यहाँ हम लोग अपने चप्पल जूते जमा कर रहे हैं, और घर से निकलते समय मैंने सबको सावधान कर दिया कि भाई अपने अपने मास्क ले लो, और मैं ही लापरवाह की तरह बिना मास्क के गई थी, तो मुझे मास्क खरीद के पहनना पड़ा, वो भी 5 रुपये वाला, नहीं तो मंदिर में नो एंट्री थी। तो ये रहा हमारा महावीर मंदिर, जिसमें हमने कभी तुषार कपूर और इमरान हाशमी को देखा था यानी कहने का मतलब कि 5-6 साल पहले गए थे जब उनका फिल्म रिलीज हुआ था, क्या कूल है हम, शायद 2 या 3 कुछ रिलीज होगा, तो आए होंगे, तो हमने इसी मंदिर पे उन्हें हाय करते हुए देखा था। संग हनुमान जी को पहले नहीं देखा था, इमरान हाशमी को देखा था, अब जाके हनुमान जी को दर्शन कर रहे हैं। यानी कहने का मतलब हम पटना में रहते हुए भी हनुमान मंदिर नहीं गए, सोच लीजिए कैसे हैं हम। यानी कहने का मतलब शादी से पहले कुछों का दर्शन नहीं था, बस एगो चिड़ियाघर का दर्शन हुआ था, ना कोई आज तक पार्क गए हैं ना कुछ, एगो ओनली भीटू गए थे, विशाल मेगा मार्ट गए थे, गांधी मैदान, वो भी आप जाने लगे भाई। तो तब यहाँ बहुत सारे पैसे दिख गए थे मुझे, तो लगा दिखा दिया जाए कि हनुमान मंदिर में इतने इतने पैसे दान होते हैं, और ये सब हनुमान चालीसा पढ़ रहा है, और मुझे हनुमान चालीसा नहीं पढ़ना था, इसलिए मैं वीडियो बना रही थी, क्योंकि मुझे हनुमान ऐसे ही नहीं पढ़ना था, बाकी ऐसा भगवान में आस्था है, लेकिन कोढ़ी आदमी पढ़ता कहाँ। हम बस ऐसे कर लीजिए, जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान बस। और जय हनुमान करते करते हम लोग पहुँच चुके हैं श्री लेदर, जहाँ मम्मी और दीदी जूता ले रही है अपना अपना, क्योंकि टीचर लोग के भाई चलते चलते जूते खिंच जाते हैं, हमारे तरह घर में थोड़े रहना है, फिर भी हमारे पास 4 जोड़ी चप्पल हैं। बोले तो कि नया नया शौक़ जागा अभी चप्पल का, कपड़ा का मेरे पास। और ये रहे हम, ये अपना बंदरिया जैसा मुँह दिखा रहे हैं आपको, तो उसमें श्रीनगर में बहुत अच्छे अच्छे चप्पल बैग्स जूते आए हुए थे, जो कि मैंने आपको सॉरी बिलेटेड पोस्ट कर रही हूँ, उस समय दिखाती हूँ तो शायद कोई बंदे शॉपिंग भी कर सकते थे। ये हमेशा की तरह मैं बाल ठीक करते हुए, और ये अपने अपने जूते लेके खड़े हैं, क्योंकि यहाँ कैलेंडर लेना था, और यहाँ हम लोग चेक कर रहे थे कि आखिर 2 जूते लिए गए तो 2 कैलेंडर देता है कि नहीं। और ये मिला हमारा 2 कैलेंडर, यानी हमने जंग जीत लिया, हम लोग दोनों ने अलग अलग लिए थे, और ये चले हमारा सफ़र आगे की ओर, यानी हम जा रहे थे गांधी घाट, शायद काली घाट, गांधी घाट नहीं जानते, PMCH के पीछे। तो सोचा कि चलो भाई रास्ते का भी व्यू ले लिया जाए, क्योंकि मुझे लेना था कि यार रास्ते में विश्वमान भवन अगर आए तो कैसा लगता है। ये रहा हमारा विश्वमान भवन, जहाँ कभी हम एग्ज़ाम देते हुए भूकंप में पकड़ा गए थे, हम PG का एग्ज़ाम दे रहे थे और भूकंप आई थी, हमारी टेबल हिलने लगी थी, तो भाग के गांधी मैदान में भागे थे, इसीलिए विश्वमान याद आता है। गजब का कंपन महसूस किए थे 4th फ्लोर पे। और ये बाबू रहा, जिसे पटना का दर्शन करवाया जा रहा है, उसे बताया जा रहा है कि बाबू ये वो है ये वो है। और काली घाट के दर्शन से पहले ही हम बीच रास्ते में उतर गए, क्योंकि हमें बच्चों का पार्क नज़र आ गया, तो सोचा क्यों नहीं बच्चों को एंजॉय करवा दिया जाए। और यहाँ साला अंदर घुसे तो पता चला कि हर चीज़ का पैसा लगता है,
हम लोग 10 रुपया में आए, सोचे कि चलो भाई सबका मज़ा ले लेंगे, लेकिन ये तो पता नहीं था कि अंदर आने पर हर जगह का पैसा, कहीं 30 रुपया दो कहीं 40 रुपया दे, अंदर आके बुड़बक बन गए। तो सोचा चलो क्यों ना ये जो फ्री का माल है उसी पे घूम लिया जाए, बच्चे उसी में खुश हो जाएंगे, थोड़े हम भी हो जाएंगे, इसलिए फोकट में ही घुमा दिए। अब हर जगह कौन देने जाता, 3 बच्चे थे, 120-120 रुपया देते देते सब पता चलता कि बेड़ा गर्क हो जाता, पटना घूमने नहीं गए, उससे ज़्यादा बिक के आते, उससे अच्छा छोड़ बच्चा फ्री का माल पे घूमो और खुश रहो। ये रहा उठा रहा तुमको, बैठो बैठो भैया बैठ, हाँ बैठ, चलो चलो हम घुमा देंगे, पकड़ो बेटा। अरे अच्छा से, अच्छा से रुक गया, हम ही रुक गए, चलो दूसरा में आओ। भाई ये हमारी छोटी ननद थी जो बोले थी घुमाओ घुमाओ, तो सोचा चलो भाई हम ही चढ़ के क्यों ना घूम लें। घूमने के बाद लगा बचाओ 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 बचाओ, अब गिरे गिरे कहीं उखाड़ के लेके हम क्यों ना मिट्टी में गिर गए, जिसके चक्कर में चीख निकल गई। बाप रे बाप, माथा चकरा जाता है, लगता कि उखाड़ के गिर गया था। आप लोग पीछे से आ गए, हमने फालतू के 10-10 रुपए का क्या नहीं बांटने देता हूँ सब पर। पैसा उसका अलग से, खूब खुश बाबा, खूब खुश पीछे से आ गया है। हम लोग अंदर सिर्फ 3 ही लोग आए थे, बाद में इन लोग अंदर आए तो इन लोग बाथरूम से, एक्चुअली बाथरूम था उसके बगल से निकल रहे थे, तो मुझे लगा ना कि कोई पीछे का रास्ता है वहीं से इन लोग निकल रहे हैं, और हम बेकार में पैसा देख के आ गए, इन लोग फ्री में आए। तो बाद में पता चला कि नहीं एक ही दरवाज़ा, इन लोग भी पैसा दे कर आए, मुझे लगा कि साला इन लोग शॉर्ट में आ गए। बाबू मर बाबू चलाओ गाड़ी, गाड़ी चलाओ ना, चलाओ नहीं 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 ढकला ढकली नहीं, बाबू चलाओ गाड़ी, इधर खूब खूब से बटन दबाता है, चलाओ बेटा गाड़ी।
इस पूरे पार्क में यही एक जगह थी जहाँ हमने पैसे पे किए। सोचा कि चलो भाई, मेरे बच्चे का शौक है बहुत ज़्यादा गाड़ी चलाने का, चलो 40 रुपया दे दिया जाए। इसमें इसकी दीदी ने डिमांड किया था, यानी अम्बू ने, नहीं मामी चलिए बउआ को घुमा दीजिए, हम लोग नहीं घूमेंगे। भाई अम्मू तो बड़ी थी इसके लिए, नहीं था कि चलिए बउआ गाड़ी गाड़ी बहुत करता है, इसको घुमा दीजिए। साला कितने राउंड का? 30 राउंड का 40 रुपया लिया इन्होंने। सोच लो कितने कमाते होंगे। 3 गाड़ी रख लिया, दिन भर चलाते रहो, हर 30 राउंड का 40-40 रुपया लेते रहो। तो खैर कोई बात नहीं, बच्चा एंजॉय कर रहा था, उसी में पैसा वसूल हो गया। और ये हम लोग पहुंच चुके हैं काली घाट, शायद बोलते हैं, जो भी है नाम याद नहीं आ रहा, तो एडिट करते हैं, उससे भी सोचा कि नहीं बोला। और ये हम लोग पहुंच चुके हैं, और ये रहा हमारा दरभंगा हाउस, जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। लग रहा था कि हाँ कोई जगह आए, यानी हम लग रहा था कि कलकत्ता पहुँच गए, नहीं तो मुंगेर लग रहा था। और भैया ये रहा हमारा मास्क, जो हुलिया बिगाड़े हुए था, तो ये लो मास्क हटा दिया। तो ये काली मंदिर बंद थी, हम लोग जो देख दर्शन करने आए थे काली माता का, तो तब तक हम लोग इधर उधर घूम रहे थे, ठंडे ठंडे हवा खा रहे थे गंगा घाम के, और यहाँ बैठ के गर्मा गर्म नीम को चाय पिया। चलो तो काली घाट मंदिर, सॉरी तो मंदिर के खुलने की टाइमिंग 4 से 6 थी शायद, 4 बज गए हैं और हम लोग मंदिर को जा रहे हैं। सब ना कहाँ से देखा, अभी भी कुछ मिनट बाकी हैं, तो हम लोग खड़े हैं कि अब खुले पंडाल ने बंगाल। जिया जी नहीं लेके गए थे? जिया जी नहीं लेके गए थे? यहाँ वो योगा सिखाती है, फिर वो मियाँ दिखा ना कि मकल बस यहीं खड़ा रहो। हाँ बेटा मंदिर अभी बंद है। हाँ नानी, मंदिर बहुत ही पहले का है जिसमें राजा लोग पूजा करते थे, कोई स्पेशली मंदिर नहीं, उनका ये पूजा घर हुआ करता था शायद। तो यहाँ बस दूर से दर्शन होते हैं, बाकी कोई भी प्रसाद प्रसाद नहीं होता होगा। हम तो बैठने बोल रही दर्शन करके आ गए मम्मी। स्टेशन की ओर लौटते वक्त रास्ते में कुछ इस तरीके का टोकरी से बना हुआ झूमर दिख गया था, जो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टाटा बाय बाय।